हेलो बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम दो शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे। जैसे कि यश उठ, तो यहाँ पर दो शब्द हैं। यश इस बच्चे का नाम है और वो सो करके उठ रहा है। यश उठ। जल भर, जल मतलब पानी। घर चल। डर मत। फल चख। मत लड़। तो इस तरह छोटे छोटे दो दो शब्दों के वाक्य हैं। सच कह। वन मत। धन रख। टब भर। जग ढक। मग रख। इसी तरह से नमन कर, नमन मतलब नमस्ते को बोलते हैं। नमन कर। मटर चख। शरम कर। भरत ठहर। भरत ठहर। उधर चल। नरम वन। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर और वाक्य आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कलम पकड़। कलम मतलब पेन। सच के है। कमल चल। कमल यहाँ पर बच्चे का नाम है। सर्कस चल। सर्कस आप सभी ने देखा होगा। सर्कस बहुत अच्छा लगता है। वहां पर जोकर दिखाई देते हैं जो सबको हंसाने का काम करते हैं। चल टहल। आसन रख। नहर चल। झगड़ मत। इसी तरह से बाकी के वाक्य भी आप अपने आप पढ़कर देखो। अब हम तीन शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे जिसमें कि तीन तीन शब्द हैं। जैसे कि लव अब जग, तो ये तीन शब्द हो गए। मठ तक चल। जप तप कर। हठ मत कर। हठ मतलब होता है बच्चों जिद करना। बस पर चढ़। सज धज कर। शक मत कर। इसी तरह से सड़क पर चल। तन कर चल। छल मत कर। तो आप धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर जब इन वाक्य को पढ़ेंगे, शब्दों को बना करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। छत पर चढ़। गगन इधर आ। सब सच कह। इसी तरह से बच्चों बरगद पर चढ़। अब कसरत कर। गड़बड़ मत कर। अब टब ढक कर रख। झटपट खटमल पकड़। अमन बतख पकड़। इसी तरह से बाकी के तीन शब्दों के वाक्य आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम चार शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे और ये सब जो वाक्य है, शब्द है, ये बिना मात्रा वाले शब्द है। रट कर मत पढ़। यश सज कर रह। झटपट घर चल। छत पर मत चढ़। अब हट मत कर। हट मतलब होता है जिद करना। 10 अंक तक पढ़। अब 6 बज गए। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ है। बस पर मत लटक। ठहर ठहर कर चढ़। बाकी के वाक्य आप अपने आप पढ़कर देखें। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें सही शब्द को चुनकर हमें उस वाक्य को पूरा करना है। जैसे महक अब सड़क पर चल। कमल घर चल कर। कसरत कर। कसरत मतलब एक्सरसाइज। भरकर इधर रख, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? मटक या कलश? तो कलश आएगा। कलश भरकर इधर रख। पर जल चलकर जल भर। जल कहाँ से भरा जाता है बच्चों? नहर से। तो नहर पर चलकर जल भर। टम टम पर सर्कस चल। अब यहाँ पर भी कुछ अधूरे शब्दों को पूरा करना है। जैसे बरगद अदरक। टम टम तरकश। खटमल अचकन। कसरत उपवन। मखमल बर्तन। और बाकी के शब्द आप अपने आप पूरा करें। इसके बाद इन वर्णों को सही शब्द बनाकर लिखना है। जैसे पहला शब्द है शलगम। श ल ग म। टम टम नम। कलम बर्तन। पनघट। इस तरह से हम इन वाक्यों को सही शब्द बनाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।